नशे में निकला एक और नौजवान। दरअसल बटाला के हल्का फतेहगढ़ चूरिया के गांव भालोवाल के रहने वाले नौजवान लवप्रीत सिंह, जिनकी उम्र महज 25 साल की थी, उन्हें 10 दिन पहले नशे ने अपनी आगोश में लेकर मौत के घाट सुला दिया। चंगा पराला है बेले परिवार का, वाहेगुरु। लेकिन मृतक लवप्रीत सिंह के परिवार के सदस्यों ने अपने बेटे की मौत के दुख को बयां करने और नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए अपने बेटे की तस्वीर को लेकर पूरे कस्बे में नशे के खिलाफ रैली निकाली। मैं अपना पुत्र गवा चुकी हैं और देख ही रहे हो, और वायरल जितना फैल गया है, और कदों जागोगे, गवर्नमेंट ये करनी चाहिए है, सबको सपोर्ट करना चाहिए है, मैं सिद्ध तो जगाना है, हम टाइम आ गया इतना है। आज बड़े दुख ना सानू कहना पै रहा, जिहड़े सारे ने सरकारां दे वादे सीगे कि असी आके आ करांगे वो करांगे, वो जीरो होंदे दिस रहे आ। जे थोड़े भी वादे पूरे होंदे तां साडा भरा ही गवांदे ना, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੁੱਢਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੀ ਖੈਰੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਰੈਲੀਆਂ ਇਹ ਸਭ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਗਿਆ। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि नौजवानों को नशे से बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बटाला से न्यूज के लिए सुखचिंद्र कुमार की रिपोर्ट।